अस्सलाम वालेकुम डियर स्पीक्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज की तमाम ऑडियंस को खुश आमदीद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंग्लैंड, तीन T20 मैचेस की सीरीज मुकम्मल हो गई। दो मैचेस का फैसला हुआ, एक टीम ऑस्ट्रेलिया एक टीम इंग्लैंड ने जीता, एक एक से सीरीज बराबर हुई, तीसरा मैच ड्रॉ हो गया और अब पांच ओडीआई मैचेस की सीरीज का आगाज होने जा रहा है इंग्लैंड की सरजमीन पे, जिसका पहला और ये मैच 19 सितंबर जुमेरात की दोपहर 5 बजे ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में खेला जाएगा। इस मैच के रिलेटेड बात करेंगे, तो शुरू करते हैं हमारे इस मैच को पहले वैल्यू एनालिसिस से। तो दोस्तों, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में अब तक टोटल 49 ओडीआई मैचेस खेले गए, 22 मैचेस फर्स्ट बैटिंग वाली टीम ने जीते और 25 मैचेस में सेकंड बैटिंग वाली टीम कामयाब हुई, दो मैच यहां पे ड्रॉ हुए। अगर हम इस वैल्यू पे एवरेज स्कोर की बात करें तो 261 रन है, हाईएस्ट रन यहाँ पे टीम इंग्लैंड ने स्कोर किए 481 for 6, जबकि लोएस्ट रन यहाँ टीम साउथ अफ्रीका ने बनाए 83 for 10। अगर इस वैल्यू पे खेले गए 49 मैचेस में स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डाली जाए तो 13 मैचेस में रन्स बिलो 200 रहे, रन्स बिटवीन 201 एंड 249 आठ मरतबा बने, रन बिटवीन 250 एंड 299 17 मरतबा गए, जबकि रन अबाउ 311 मरतबा बने। ये तो थी इस वेन्यू के रिलेटेड एनालिसिस और इस वेन्यू के रिलेटेड तमाम डिटेल्स। अगर हम दोनों टीम्स के दरमियान खेले गए हेड टू हेड मुकाबलों पर नजर डालें तो दोनों टीम्स ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में 156 मरतबा आमने सामने हुई, 88 मरतबा टीम ऑस्ट्रेलिया कामयाब हुई, जबकि टीम इंग्लैंड को सिर्फ 63 कामयाबियां मिली। यहाँ पे तीन मैचेस ऐसे थे जो बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए और दो मैचेस यहाँ पे टाई हुए। मुकाबलों और वैल्यू एनालिसिस के बाद अब बढ़ें हम प्लेइंग 11 की तरफ के, कौन कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ हमें टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस पहले ओडीआई मैच में खेलते दिखाई दे सकते हैं और कौन से प्लेयर्स यहां पे अपनी अपनी टीम के लिए की प्लेयर्स साबित हो सकते हैं। तो पहले बात करेंगे होस्ट टीम इंग्लैंड की, जिसमें शामिल होंगे फिल साल्ट, बेन बेकेट, विल जैक्स, हैरी ब्रुक, जॉर्डन कॉक्स, लियाम लिविंगस्टन, जैकब बैथल, ओली स्टोन, जोफ्रा आर्चर, रिस हुकली और आदिल राशिद। यह तो थी दोस्तों टीम इंग्लैंड के प्लेइंग 11। और अगर हम बात करें टीम इंग्लैंड के की प्लेयर्स की तो यहाँ बैटर्स में पहला नाम आता है फिल साल्ट का, जिन्होंने 19 मैचेस में 619 रन बनाए, 133.41 इनका स्ट्राइक रेट रहा। हैरी ब्रुक ने 15 मैचेस में 407 रन बनाए 94.87 के स्ट्राइक रेट से। ऑलराउंडर्स में यहाँ लियाम लिविंगस्टन 25 इनिंग्स 558 रन और 17 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि बॉलर्स में यहां नाम आता है आदिल राशिद का, 135 इनिंग्स में 199 खिलाड़ियों को आउट किया, 5.64 इनका इकोनॉमी रेट रहा, जबकि जोफ्रा आर्चर 21 इनिंग्स में 42 विकेट्स हासिल की 4.81 के इकोनॉमी रेट। तो दोस्तों, ये तो वो प्लेयर्स थे जो टीम इंग्लैंड के लिए हमें चेंज क्रिएट करते दिखाई दे सकते हैं इस फर्स्ट और ये मैच में। अब अगर हम बात करें मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया की, जिसके प्लेइंग 11 में शामिल हमें दिखाई दे सकते हैं ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्कस लेबुशेंज, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, जॉस एंजेलस, शेन अबॉट, एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। अगर हम टीम ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर्स की बात करें, ट्रेविस हेड जिन्होंने 65 मैचेस में 2397 रन बनाए और 18 खिलाड़ियों को आउट किया, स्टीवन स्मिथ 158 इनिंग्स 5446 रन बनाए और 28 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मिचेल मार्श जो टीम के कैप्टन भी हैं 89 इनिंग्स 2672 रन स्कोर किए और बॉलिंग करते हुए 56 खिलाड़ियों को आउट किया। अगर हम यहां पे बॉलर्स की बात करें तो मिचेल स्टार्क का नाम आता है, जिन्होंने 121 इनिंग्स में 236 विकेट्स उड़ाई, 5.21 इनका इकोनॉमी रेट रहा, जबकि यहां पे जो लास्ट नेम आता है वो है एडम जैम्पा का, 99 मैचेस में 169 खिलाड़ियों को आउट किया, 5.47 इनका इकोनॉमी रेट रहा। So these are the probable playing 11 and key players for both teams in first ODI match played between Australia and England in Trent Bridge, Nottingham at 19 September. So ab agar hum baat kare value analysis, teams analysis ke baad is match prediction ki kaun si team yahan pe strong hai aur kaun si team yahan pe hame match jeetti dikhai degi, to from different stats results head to head mukablon ke according our predictions are this ki team australia will be favorite, kyunki team australia ne bahut acha perform kiya against england t20 series mein, against scotland t20 series mein, no doubt format change hai but team australia will be strong in this match, let's see kya team australia harati hai team england ko england ke sarzameen pe, ya team england is match ko jeetne ke baad apne odi series ko
फतह के साथ आगाज करेंगे।